गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज फिर से एक बहुत ही प्यारी सी सुबह हो चुकी है और आज की सुबह हो रही है मणिकर्ण में और हम सुबह सुबह उठ चुके हैं और मेरे से पहले भी काफ़ी लोग उठ चुके हैं और तो देखते हैं कि कौन कौन उठ चुका है पहले। और ये देखिए सुबह सुबह ही मॉर्निंग का व्यू कितना अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे ऐश्वर्या भी उठ चुकी है और ये देखिए कितना मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है कि आप दरवाज़ा सुबह सुबह खोलते हैं अपना और ये आपके सामने इतना अच्छा व्यू देखने को मिलता है। और धूप भी देखिए कितने ऊपर चली गई है, तकरीबन 8 बज रहे हैं। कितने बजे उठ गए थे आप? मैं कितने बजे उठे? 8 बजे। वो और ये जनाब उठ गए थे सुबह सुबह ही। अभी सभी लोग हो चुके हैं तैयार और मैं भी तैयार होके निकल चुका हूँ और ये जनाब अभी अंदर ही और ये देखिए मारी वारी निकल रहे हैं बाहर। चलो 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 जल्दी चलो, चला चला चलो मुनिये, चलो निकलते हैं, करते हैं चेक आउट क्योंकि टाइम हो चुका है 9:30। अभी सभी आ चुके हैं नीचे एकदम रेडी होके। ये देखिए गीतू, ऐश्वर्या और गीतू के हस्बैंड विक्की, विक्की अपने साटू जी भी आ चुके हैं और निकलते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 10 बज चुके हैं। चेकआउट का टाइम तो 12 बजे है बट हमने कहीं और भी जाना है, देखते हैं कि कहाँ पहुँचते हैं। और अभी थोड़ी सी गाड़ी को साफ करें और चलते हैं जल्दी से। चलो आज मणिकर्ण से निकल गए, अभी जो है 10 बज रहे हैं तो इस टाइम रुके हुए हम कसोल में। सोचो कसोल में भी थोड़ी देर घूम लिया जाए और ब्रेकफास्ट भी हम यहीं पे करेंगे। और सडनली हमारा प्लान भी बन गया है मनाली जाने का। सोच रहे कि आए हैं तो मनाली भी घूम के ही आते हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पे घूमते हैं कसोल में, ब्रेकफास्ट करते हैं और लोकेश को भी शायद कुछ सामान लेना है तो वो लेंगे और फिर तय करेंगे अपना अगला सफ़र मनाली का। यहाँ पे भी थोड़ा घूम फिर लिया और लोकेश बोल रहे कि मैंने एक आगे एक रेस्टोरेंट देखा है जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तो बस इधर से जा रहे हैं और इधर वाली साइड को देखते हैं इधर भी क्या क्या है। तो लीजिए जो लोकेश ने जगह बताई थी वहाँ पे हम आ गए और हमने गर्मा गर्म परांठा ऑर्डर किया है साथ में चाय। बाकी उनको भी बुला लिया पुलिस वाले ने बाहर की, अपनी गाड़ी थोड़ा साइड में लगा लो, पार्किंग में लगा लो, उन्होंने ऐसी सड़के थोड़ी साइड में लगाई थी तो वो चले गए। और तब तक उनके परांठे ठंडे हो जाएंगे, पर आ जाएंगे वो थोड़ी देर में, तब तक हम खाना शुरू करते हैं। आगे क्या बोला पुलिस वाले ने? गाड़ी साइड करो। कर दी गाड़ी साइड। ओके, खाइए गर्मा गर्म परांठे। तो अभी हम ऑन द वे है और यहाँ से मनाली 5-6 किलोमीटर रह गया है और साथ में ये देखिए इतनी अच्छी बर्फ की पहाड़ियाँ दिख रही है। बाकी अभी तो गर्मी वाला मौसम आ गया है तो बर्फ़ सारी पिघल की होती है, बट जब ठंडी का टाइम होता है, जो बर्फ़ वाला सीज़न होता है, तब तो ये पूरी की पूरी पहाड़ियाँ इतनी अच्छी लगती है ना बर्फ़ से ढकी हुई, कि तब भी यहाँ पर ठंडी के मौसम में भी घूमने का बड़ा मज़ा आता है। तो कोई नहीं, चलते हैं, अभी पहुँचने वाले हैं मनाली में। कि पहले हम हडिम्बा देवी टेम्पल जाके आते हैं, माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। पर जैसे ही हमने यहाँ पर थोड़े नीचे जो है अपनी गाड़ी लगाई, ये अल्टो गाड़ी है, और वो चाबी अंदर फंस गई तो और सभी ने लॉक कर दिया। अब गाड़ी भी ऑन है, चाबी भी अंदर है, तो सभी ट्राई कर रहे हैं इसको लॉक को खोलने की। अब ऐसे ही पंगा पड़ गया, अब इधर भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो कोई नहीं, ये तो हो जाएगा, फिर चलेंगे ऊपर।
अपनी चाबी जो है निकल गई और बंदे भी जो थे यहाँ पे बेचारे हेल्प करने आ गए, उन्होंने हेल्प कर दी और निकाल ली चाबी वहाँ से। चलो होते हैं, लोग हेल्पफुल होते हैं बहुत, एकदम से सभी आगे मदद करने के लिए। बाकी चलते हैं अभी टेम्पल। आप ही हम गलत रास्ते पे गए, एक नीचे वाला रोड था वहाँ से हमने उधर को जाना था और हम ऊपर वाले रोड को आ गए। ये गाड़ी फंस गई थी वहाँ पे, इसलिए आए हम। पहुंच गए हम हकीम बाटा देवी टेंपल में और ऊपर को चढ़ाई थी बहुत, गाड़ी हमने नीचे लगा ली तो चल के आए। बाकी थक गए, अभी जाते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। सभी का हडिम्बा देवी तक पहुंचने का सफर कैसा रहा? नहीं, गाड़ी से आए हम, गाड़ी खराब हुई, वो बोल रही हूँ खराब नहीं, हमने चाबी बहुत यादगार। ज़्यादा लाइनें लगी है, देखिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, कितनी ज़्यादा लोग आज आए हुए टेंपल वे देखिए। और जिसको पता है कि हडिम्बा देवी कौन थी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हडिम्बा देवी कौन थे और उनके हस्बैंड कौन थे। हडिम्बा देवी टेंपल के दर्शन तो हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। और ये देखिए इन्होंने खाने के लिए क्या ले लिया है, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, मीनू तो पता नहीं भाई क्या वो लाइट देना ये वो लगे खाने पता नहीं है, पर इतना पता है कि मुंह में जाने के बाद ये पिघल जाता है पूरा, ये पानी बन जाता है इसका, मैं नहीं खाना। अभी जो मनाली की मेन मार्केट है वहाँ पे घूम के आते हैं और यहाँ पे बड़ी गंदी स्मेल है। Shadow turns to sun rays and I... पहुंच के मार्केट में और मनाली में जो है हमारे चाचू जी भी होते हैं तो उनको ही कॉल कर रहे थे कि आ जाओ उनसे भी मिल लेते हैं, तो होते ही अब आए हैं तो चलो चाचू जी से भी मिलना हो जाएगा। फिर घूमते हैं यहाँ पे थोड़ी देर और चलते हैं घर वापस। क्या लेने वाले हो आप मेरे लिए? देख लो ना क्या लेना। आप बताओ ना, आप कुछ अपनी मर्जी से भी लेना चाहते हो क्या? I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Manali se aage nikal gaye hum abhi aur lagi hai sabko bahut zor ki bhook, to abhi sabhi decide hi kar rahe hain ki kaun kya khane wala hai. Kya khaoge aap? मिला कुछ मोमो चाउमीन। अभी हमारे ड्राइवर स्टॉप चेंज, ड्राइवर जो है टाइम टाइम पे चेंज हो रहा है क्योंकि एक बंदा होता ही है नेचुरली कि एक बंदा कितना चलाएगा थक जाता है, तो ये बारी बारी चला रहे हैं दोनों। बाकी अभी हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं,
पीछे अभी हमने जहाँ पे लंच किया वहाँ पे मतलब अच्छा था, खाने का प्राइस भी ठीक था और खाना भी अच्छा था। एक प्लेट में मटर पनीर, राजमा, चपाती और कढ़ी, चावल सब कुछ था। 100 रुपये की एक प्लेट थी, तो काफ़ी अच्छा भी बना था। तो ऐसी जगह भी बहुत कम होती है मतलब आजकल के टाइम में, अदरवाइज़ देखा जाए तो आजकल तो जगह जगह लूटने के लिए ही बैठे होते हैं। तो ओके करते हैं अब अपना अगला सफ़र जारी घर की तरफ। लोकेश को आ गया अभी मक्की खाने की, भुनी हुई मक्की। क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं आप नहीं खानी, हमने तो ऐसे ही एक दो दाने टेस्ट करने हैं। ना तो सरा रहा वार तो ले कोल लेंगे। तो भाई पहुंचने वाले हम पंडो के पास। अभी जो ये डैम है इसके ऊपर जैसे हैं थोड़े, बट यहाँ से इतना मस्त व्यू है ना, बहुत अच्छा। देखिए पीछे इतना अच्छा व्यू है ना यहाँ पे। इधर मैं और लोकेश पहले भी आते थे, हम फोटोज़ लेते थे, वीडियोस बनाते थे शादी से पहले। तो अभी फोटोज़ वगैरह क्लिक करके अब निकल चुके हैं घर की तरफ फिर से। ये देखिए और सीटें भी चेंज होती जा रही है बारी बारी, नहीं तो थकावट बहुत ज़्यादा आ रही है। और पंडो के पास पहुँच चुके हैं अभी, बट रोड अभी काफ़ी अच्छा है। पहले जब जाते थे मनाली साइड को तो रोड की बहुत दिक्कत आती थी, बट अब HP गवर्नमेंट ने थोड़ी सी फैसिलिटी कर दी है कि रोड अच्छा कर दिया है, तो आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इनको देखिए जनाब को पीछे जमाइयाँ लगी हैं, मतलब नींद आ रही है। अभी देखते हैं नज़दीक ही है मंडी, थोड़ा सा पहुंच जाएंगे जल्दी। हाँ तो ये देखिए खुद बोल रहे हैं जमाइयाँ लगी हैं। पिंडो डैम के ऊपर ही ट्रैफिक लग चुका है, पता नहीं किस वजह से ट्रैफिक है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी देखते हैं कि क्या होगा। अभी निकल तो रही है गाड़ियाँ धीरे धीरे। गाइज अभी जो है हम पहुंच चुके हैं घर में, गित्तू के घर। टाइम बहुत हो गया था, अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि चलो चलो फिर आज गित्तू के मेहमान ही रहेंगे, आज का दिन भी सभी साथ रहेंगे। तो अभी थोड़ा चेंज वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद बैठेंगे थोड़ी देर फिर से। तो लीजिए सब्जी अभी थोड़ी देर में बनकर रेडी हो जाएगी, और गित्तू ने आटा गूंद दिया इधर, बाकी चूल्हे पर बनी घी गर्मा गर्म चपा दिया, तो बनाओ। ओके जी हो गया है अभी डिनर टाइम। सो डिनर करके फ्री हो गए गाइज, एंड वी होप आपको हमारा आज वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। सो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। ओके बाय बाय, टेक केयर।